الحمد لله علي الذات عظيم صفات سمي سمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأحباب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله الخالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے کربلا کی خاک تو اس شان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کیڑا احسان کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سراب کر گیا تجھے
लगे रसूल, करती है पेश अब भी शहादत हुसैन की। आजादी हयात का यही सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, हरगिज यजीदियों की इतात न कर कबूल। तख्तर से बाख्तर तक जिनके निशान थे बरपा, मकबरों में अब उनकी चंद निशानियां हैं। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, आज मुसलसल तीसरा जुम्मा है के वाकिया करबला सुल्तानुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी औलाद पाक, नबी पाक दी नसल, उना दा खानदान, अहले बैत, तीसरा जुम्मा है। मैं मुसलसल तरतीब नाल और कोशिश कर रहे हैं कि तफसील नाल तुहानू सुनावा, तो दुआ है अल्लाह तबारक वताला मेरा सुनाना तुहाडे सारयां दा सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। ये ते ओ नेक पाक हस्तियां ने कि जिन्हां दा जिक्र कीतियां अल्लाह ताला बंदे नूं सिर तो पैरां तक अंदरों लै के पाक साफ कर देंदा। तो इन्हां नेकां पाकां दे तुफैल अल्लाह ताला साढ़े सारे गुनाह माफ़ फरमाए, साढ़े जेड़े भी फौत हो चुके ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए। बहत्तर शुहादा करबला दी उस रेत उते बगैर कफन बगैर दफन और बगैर कबरां तो पे हुए ने बहत्तर। कोई अख नहीं रोई, कोई सीना जिदे विचों आह नहीं निकली, कोई दिल जेड़ा नहीं तरपया इस जुलम उते के शुहादा करबला वाले निहत्ते प्यासे मजलूम जो ओना उते जुल्मा दे पहाड़ तरोड़े गए, वड़ी ईद गुजर गई है, असा कुर्बानियां कीतियां जानवरां दियां और जिन्ना जिन्ना ने कुर्बानियां कीतियां ने मेरी इस गल की तस्दीक करनगे कि कुर्बानी दे जानवर नू लटान तो पहलों जबा करन तो पहलों एक काम किया जाता है,
आजी राव साहब कुर्बानी दे जानवर नो छुरी फेरन तो पहलों जबा करन तो पहलों लटान तो पहलों एक काम किया जाता है। दसो हाँ वो केड़ा काम है? अल्लाह तुहाडा भला करे। उनू पानी पियाया जाता है, ओदी जानवर दी मर्जी है वो पीए ना पीए, मगर जिन्ना जिन्ना ने कुर्बानी दे जानवर ले ने, किसे ने लेला लिया है, ऊंट लिया है, बछा लिया है, उठ लिया है, जो कुछ भी लिया है, वो अपने कुर्बानी दे जानवर नू पानी पियांदा है। जरा अंदाजा फरमाओ कि कुर्बानी दे जानवरां दा इना ख्याल है, इन्नी हमदर्दी है। कम अज कम नबी दे खानदान वाले जिन्ना उत्ते इना जालमा ने पानी बंद कर दिता है, हालांकि क्यामत वाले दिहाड़े इना दे हथों ही पानी लै के पीना है। पानी किन्ना उत्ते बंद किया है कि जिन्ना दे वड्डे जिन्ना दे सरबरा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हौज़े कौसर दा पानी लै के पीना है। ये तमन्ना हर बंदा लै के बैठा है, और जिन्ना ने इन्हां नूं शहीद किया है वह भी ये तमन्ना लै के बैठे हुए हैं। करबला दे उस मैदान अंदर वो केड़ियां हस्तियां ने कि जिन्ना उते पानी बंद कर दिता गया? सात दिन पानी दी एक बूंद भी गले विच नहीं उतरी, इतना जुलम। और इस कदर वो जालम बन गए, किन्ना उते पानी बंद किया गया? कम अज कम इंसान होने के नाते थोड़ा जिहा उन्हां खुफियां नूं मुजारा करना चाहिदा सी, कम अज कम थोड़ा कु उन्हां नूं ख्याल करना चाहिदा सी कि पानी असी किन्ना उते बंद करने पे हां। उन्हां दा कि जिन्हां दा असी कलमा पढ़ने हां, उन्हां दा जिन्हां दे वड्डियां नूं असी नबी मन्ने हां, और पंज टाइम नमाज विच उन्हां दा नां लैने हां और अजान विच नां लैने हां, कम अज कम उन्हां नूं इंसान होने के नाते ये ख्याल करना चाहिए सी। जजाक अल्लाह जी नदीम साहब, शुक्रिया। दस मुहर्रम दा मैं तुहानू एक वाकया सुनावा। जदों हर चार चपेरे जंग पखी होई सी, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नूनू खैमे विचों आवाज पही और बीबिया ने बुलाया। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नू दौड़े गए खैमे तशरीफ ले आए। उन्हें बीबिया ने 6 महीने का बच्चा ताऊ ते चुकया होया है, और उन्हें बीबिया ने आख्या है, हुसैन असी वड्डे हाँ, साढ़े ते पानी बंद किया गया, कोई गल नहीं, असी ते सफ़र करने पे हाँ, अल्लाह पाक ने सानू सफ़र दे दिता है, पर ये जेड़ा निका बच्चा 6 महीनों का एदा की कसूर है? प्यास की वजह नाल एदा गला भी खुश्क हो चुका है और जुबान भी एदी आकड़ चुकी है और जुबान बार आगे टेढ़ी हो गई है। ऐ हुसैन ए बच्चे नू फड़ो और खैमे तो बाहर चले जाओ, उन्हां खुफियां कोलो इस बच्चे वास्ते पानी मंगो। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने 6 महीनों का बच्चा हाथों से चुकया है और खैमे विचों तशरीफ बाहर ले आए ने। ओ मुसलमानों हैरान होवोगे, ये जेड़ा बच्चा है किसे मुसलमान दा नहीं, ये जेड़ा बच्चा किसे उम्मती दा नहीं, ये जेड़ा बच्चा किसे साहबी दा नहीं, ये बच्चा किसे सज्जन दा नहीं, ये बच्चा किसे रिश्तेदार दा नहीं, खुद ये बच्चा हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो दा अपना पुत्र है। आप अपने बच्चे नूं तां ते चुकिया होया और खैमे तो बाहर तशरीफ ले आए और आ गए उन्हां कूफियां
गूफियां नू पुकारिया, उन्हां गूफियां वालियां नू आवाज़ दिती, ओ गूफे वाले ओ यजीदियो, तुहाडी दुश्मनी मेरे नाल है, तुहाडा वैर मेरे नाल है, मैं ते तुहाडा मुजरम सही, मैं ते तुहाडा गुनाहगार सही, पर इस बच्चे दे कोलों तुहानू कोई नुकसान नहीं, इस बच्चे कोलों तुहाडी हुकूमत नू कोई नुकसान नहीं। मैं तुहानू ये पिया कहना, कम अज़ कम इस बच्चे नू ते पानी पियाओ। ये गलबात हले होंदी पई है, इमाम पाक ने अपना बच्चा थां ते चुकिया होया, जवाब दे बदले उन्हां बेईमाना ने एक तीर चलाया जिहड़ा हवा विच परवाज करदा आया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नू दे बेटे दे गले विच खुबिया और तीर पार हो गया और खून दा फुहारा निकलिया। बच्चा इमाम पाक दे हत्थां दे अंदर है, तड़पदा तड़पदा उस बच्चे ने जान दे दिती। दसो ये जुलम नहीं? सड़क भरी होवे, साइकल स्कूटर कारां मोटरसाइकलां पैदल साइकल राह ना होवे ते एम्बूलेंस आ जांदी है ते दसो उन्हूं राह बना के देंदे हो कि नहीं? बोलो तो सही, क्यों उन्हूं राह बना के देंदे हो? इस वास्ते कि इहदे विच मरीज़ है, इस वास्ते इहदे विच ओह है जिहड़ा हस्पताल जाण वाला है, इहदे विच ओह है बीमार है किधर राह विच ही ना मर जाए। हालांकि तुसीं उन्हूं जानते भी नहीं होंदे, वह तुहाडा वाकफकार भी नहीं होंदा, रिश्तेदार भी नहीं होंदा, मगर तुसीं उन्हूं रस्ता दे देंदे हो इस वास्ते कि एम्बूलेंस दस रही है कि इन्हें हस्पताल जाना है, एम्बूलेंस दस रही है कि इहदे अंदर बीमार है। कम अज़ कम अज उन्हां वास्ते हमदर्दी कोई नहीं जिन्हां वास्ते अल्लाह पाक ने इस जहान नू बनाया, इस कायनात नू बनाया। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान वास्ते कोई हमदर्दी और कोई प्यार ही नहीं। उस मरीज का तो ख्याल है कि इन राह दे दो, हजरत इमाम हुसैन कोई खिलाफत नहीं सन लैन आए, ना ही कोई हकूमत लैन आए सन। हकूमत की लोड़ होंदी खुद उन्हों का वड्डा भरा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने। 6 महीनों तो बाद आपने इस्तीफा दे दिता, जवाब दे दिता। तो क्या इमाम हुसैन उस जगह ते बैठ सकते सन के नहीं? बैठ सकते सन। पाकिस्तान अंदर की पिया हुंदा है, ओ बैठा फिर ओ बैठा फिर ओ बैठा, अपने ही भाई जांदे ने। तो मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन हकूमत लैन नहीं सन गए, इकतदार लैन नहीं सन गए। हज़रत अली दी शहादत तो बाद मक्के वालिया ने खुद हज़रत इमाम हसन नू इकतदार दिता, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनाया। तो हज़रत इमाम हसन दरवेश बंदे सन, 6 महीनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिता। तो हज़रत इमाम हुसैन बैठ सकते सन, चाहते तो हकूमत हासिल कर सकते सन, मगर नहीं, हकूमत लैन नहीं सन आए, इकतदार लैन नहीं सन आए। तो नाले सोचो हकूमत नाल लड़ाई करनी होवे, जंग करनी होवे, उहदे नाल आड़ा लाना होवे, तो क्या ऐ बाप पड़दा औरतां बंदा घरों लै के निकले, निके निके बच्चे लै के निकले? अगर अपनी जान बचाना चाहते, इन्हां बच्चियां दी जान बचाना चाहते, कोई मुख मुका कर लैंदे, कोई बारी ते नहीं सी मुक मुका हो जाता, मगर नहीं। वेखो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी जवान मर्दी, उन्हां दी बहादरी। उन्हां नूं पता है कि असां शहीद हो जाना है, क्या
आप सब तो पहलों खुद शहीद हो जाते, मगर नहीं, उन्होंने इस्लाम नाल प्यार सी, दीन नाल प्यार सी, अल्लाह दे कुरान नाल प्यार सी, नबी पाक नाल प्यार सी। उन्होंने पता है मैं अगर पहलों शहीद हो गया इन्हां बीबियां दा की बनेगा, इन्हां बच्चियां दा की बनेगा, इन्हां औरतां दा की बनेगा, इन्हां दे खैमे साड़ देंगे, इन्हां दे सिरां तों दुपट्टे ला लैणगे। मगर वेखो उन्हां दा हौसला, अपनी अख दे सामने एक एक नूं शहीद होंदिआं वेख्या, फिर आप अपने आप नूं शहीद कीता। ये एक अलग बहस है कि हज़रत इमाम हुसैन हकूमत लैन गए, हकूमत लैन नहीं सन गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बच्चा तड़प तड़प के जान दे दीती, और ये आखिरी बच्चा है खानदान नबूवत दा, 21 शहजादे शहीद होए ने। मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़ा भी शहीद होया उन्हू उठा के खैमे कोल रख दिता। ये जेड़ा 21 शहजादा बच्चा है इनू हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैमे को जा के नहीं रखिया, बल्कि उस जगह से बह गए, उत्थे ही बह गए, और अपने हाथों के नाल मिट्टी नू परां करन लग पे, एक टोया जिहा पटिया। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उस बच्चे नू उस टोए विच रख दिता और उदे उत्ते मिट्टी पा दिती। होर किन्ना कु लाडला ये बच्चा होएगा कि इमाम पाक नू इहदे नाल किन्ना कु प्यार होएगा। उन्हां शहीदां विच नहीं जा के बच्चे नू रखिया, इस जगह उत्ते ही उस बच्चे दा टोया कढ के उहदी कबर बना दित्ती। जदों असीं कब्रस्तान जाने आं, रिश्तेदारां दी कबर बनाई दी है, उन्हों दब के आई दा, बुकां भर भर के मिट्टी दियां पाई दियां ने, और अखीर उत्ते असी की करने हैं, हाथ छंडने हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जदों इस बच्चे नू दफन कर दिता, एक नन्ही जी कबर बना दिती, आप खड़े हो गए, आपने अपने हथां नू साफ किया और अपने दामन नू साफ किया। मेरे पाजी मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके उत्ते एक शेर पढ़ते होंदे सन, जदों इमामे पाक ने अपने बच्चे नू दफन किया और खड़े हुए, निकी जी कबर बना दिती, नन्नी सी कबर खोद के बच्चे को इसमें गाड़ के, नन्नी सी कबर खोद के बच्चे को इसमें गाड़ के, शिबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। अल्लाह अगे दुआ कीती, ऐ मेरे अल्लाह मेरे दामन च कोई फुल नहीं, मेरा बाग उजड़ गया, मेरा बेड़ा खाली हो गया, हुण मैं अगर तेरे रस्ते विच किन्नू कुर्बान करा, हुण मैं आप ही रह गया वा। खैमे विच तशरीफ लियाए, जदों इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मक्क्यों टुरे ने, सारे मक्के ने आखिया कि ऐ इमाम इन्हां बीबियां नूं घर रहन दवो, बच्चियां नूं रहन दवो, क्यों इन्हां नूं लै के चले हो, ना फड़ो इन्हां नूं।
मगर आप अहले बैत वाले नाल लैके निकले। आखिर क्यों निकले, एदी की वजह है? मेरे अब्बा जी दरवेश बंदे सन, फकीर आदमी सन। दुआ करो कि अल्लाह तबारक वताला उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस विच बुलंद मुकाम अता फरमाए। पिछले साल तकरीर कर रहे सन ते मैनू उन्हां दी ओह तकरीर याद है। इस मौके ते उन्होंने की बयान किया, की फरमा रहे सन, मैं उन्हां दी गल ही तुहानूं सुनाण लगा जिहड़ी पिछले साल उन्होंने इसे मिंबर ते बह के मजमे नूं सुनाई। कि बीबियां नूं ना लै के जांदे, निके निके बच्चे सन, उन्हां नूं ना अपने नाल लै के जांदे, आखिर क्यों लै के गए? मेरे अब्बा जी मौलाना ते बीबू रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, इस मौके ते उन्हां नूं नबी पाक दी हदीस याद आ गई, ला युमिनु अहदुकुम अन याकुला ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। के नबी पाक ने फरमाया कि ओ मुसलमानों, तुहाडे विच कोई एक भी उन्नी देर तक मोमन नहीं हो सकता जिन्नी देर तक काली कमली वाले नाल सारिया नालों ज़्यादा प्यार ना करे, सारिया नालों ज्यादा मुहब्बत ना करे। म्यूं वाली दी ही अपने मां बाप नालों ज्यादा, वा वाला दी अपनी औलाद नालों ज्यादा, अपने रिश्तेदार नालों ज्यादा, अपनी बरादरी नालों ज्यादा। वन्नासी अजमाइन, सारी दुनिया नालों ज्यादा उदों तक बंदा मोमन नहीं हो सकता जदों तक काली कमली वाले नाल सारी दुनिया नालों ज्यादा प्यार ना करे। फिर दी सुनो, ला यो मिनु अहदुकुम, कोई मोमन नहीं हो सकता तुहाडे विचों हत्ता जदों तक अकूना होए अहब्बा प्यार करन वाला सारियां तो ज़्यादा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल सब तो ज़्यादा प्यार करन वाला किन्ना तो म्यूं वालिदी ही अपने मां बाप नालों ज़्यादा, वा वाला दी ही अपनी औलाद नालों ज़्यादा। वन्नासी अजमाइन, सारियां नालों ज़्यादा प्यार करे काली कमरी वाले दे नाल ओनी देर तक बंदा मोमन नहीं हो सकता। क्यों भाई, तुहानू भी प्यार है कि नहीं? नबी पाक नाल बोलो, है मैनू भी प्यार है, मगर इन्ना ही प्यार है कि असी नबी पाक नाल प्यार करने हैं। प्यार है पैसे नाल, मुहब्बत है कारोबार नाल, प्यार है औलाद नाल, मुहब्बत है रिश्तेदारी नाल। नबी पाक ने एक पैमाना दे दिता है कि जिन्हों जिदे कोल ये पैमाना है वो मेरे नाल मुहब्बत करता है, वो मेरा आशक है। जिदे कोल ये पैमाना है वो मेरा आशक है, जिदे कोल ये पैमाना नहीं ओ फिर सिर्फ मुहम्मद आशक है या आशक हुसैन है। ला युमिनु अहदुकुम
अताकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। तुहाडे विचों नहीं देर तक कोई मोमन नहीं हो सकता अपने माँ बाप नालों, अपनी औलाद नालों, अपने रिश्तेदारां नालों, अपने यारां नालों, अपने आंढ़ियां गुआंढ़ियां नालों, अपने रिश्तेदारां नालों, इन्हां तो वध के जदों मेरे नाल प्यार करेगा। काली कमली वाले ने फरमाया वो बंदा मोमन है, वो मेरा प्यार करन वाला, अज दीन उते अज इस्लाम उते कुर्बानी दा वक्त आ गया, अज औखा वेला आ गया, अज मुसीबत आ गईयां ने। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो अपने खानदान नू लै के करबला दे मैदान विच पहुंचे और साबित करना चाहते ने जेड़ी बात काली कमली वाले ने अज कीती सी, मैं उहदे ते पैरा देन वास्ते आ गया। आप निके निके बच्चे लै के आ गए, अपने तीन पुत्र लै के आ गए, अपने तीन भतीजे लै के आ गए, अपने पांच भरा लै के आ गए, हजरत मुस्लिम दे दो पोतरे, हजरत वकील दे दो पोतरे, हजरत जनब दे दो पुत्र, एक ही शहजादे खानदान नबूवत दे अपने समेत करबला दे मैदान विच लै के पहुंचे। उधरों कूफी आंदे ने, उधरों यजीद आंदे ने, उन्हां दे साथी आंदे ने और आके कहंदे ने ऐ इमाम साडी बैत कर लै। हुक्मरान आके कहंदे ने, उन्हां दा साद इबने अमर बिन साद आंदा, इबने जियाद आंदा, शिमर आंदा, ये आके इमाम हुसैन नूं कहंदे ने असीं तैनूं छड्ड देवांगे, असीं तेरे बच्चियां नूं छड्ड देवांगे, ऐ इमाम बैत कर लै यजीद दी। हजरत इमाम हुसैन दा इको ही जवाब है, ओ जिहड़ा यजीद है मैनू अमीरुल मोमिनीन नहीं बनदा, मैनू खलीफातुल मुस्लिमीन नहीं बनदा, ओ फाजर है ओ फासिक है ओ बेईमान है ओ झूठा ओ काज़िब है, ओदे हत्थां दे अंदर शैतान शिकारी कुत्तियां दियां रस्सियां ने, ओदे जमाने अंदर इस्लाम नूं बेमाल किया जा रहा है, ओदे दौर अंदर दीन तो मुसलमानां नूं दूर किया जा रहा है। मेरे नाने काली कमले वाले दा जेड़ा फरमान है ये ओदे उल्ट चलदा है, अल्लाह दा जो फरमान है ये ओदे उल्ट चलदा है, ये दीन नूं खराब पिया करदा है, वो शराब पींदा है, वो शराबी है, वो जानी है, वो झूठा है, मैं ओदी बैत नहीं करनी। अज दीन उते अज इस्लाम उते अज काली कमली वाले वास्ते अल्लाह वास्ते इमाम हुसैन अपना खानदान लै के पहुँच गए ने करबला दे मैदान अंदर और ये साबित करना चाहते ने मेरे नबी का जो फरमान है कि बंदा उन्नी देर तक मोमन नहीं हो सकता जिनी देर तक अपने बच्चिया नालों, अपने माँ बाप नालों, अपने रिश्तेदारा नालों नालों ज़्यादा मेरे नाल प्यार ना करे। मैं लै अपने खानदान नूं अपने नाना दी गल ते पहरा देन वास्ते। इसे वास्ते वेखो पूरी रूह जमीन उते, पूरी रूह जमीन उते किसे भी नबी दा कोई पुत्र कोई रिश्तेदार नहीं सी, मगर अल्लाह ताला ने इस कायनात उते एहसान किया कि नबी पाक दी औलाद उना दी नस्ल मौजूद सी। किस कदर कीमती सन हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कि उस वक्त वो करबला दे मैदान विच मौजूद सन। किसे भी नबी दा कोई धी पुत्र नहीं सी, सिर्फ काली कमली वाले दी नस्ल मौजूद सी। इस वास्ते ते शायर ने इस करबला दी जमीन नू मिट्टी नू मुखातब होके एक शेर पढ़िया। इस मिट्टी नू
जिदे उत्ते काली कमली वाले दी नसल दा लौ डुलिया और जिदे उत्ते काली कमली वाले दी औलाद शहीद हुई। इस करबला दी जमीन नू मिट्टी नू शायर मुखातब होके कहंदा है, ऐ करबला की खाक तू इसे एहसान को ना भूल। केड़ा एहसान के तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल। फातमा दा जिगर दा टुकड़ा तेरे उत्ते उदा खून डुलिया, नीए करबला दी मिटीए तेरे उत्ते फातमा दा जाया जिगर दा टुकड़ा तेरे उत्ते शहीद होया। कि ए मिटीए तेरे उत्ते ए एहसान है कि सब तो कीमती आदमी हजरत इमाम हुसैन तेरे उत्ते शहीद होया। अगले ते उन्हां थावां नूं वेखन जांदे ने है मुहम्मद अली साहब जिस मकान विच वो पैदा हुंदा है। मुहम्मद अली जनाह, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान, लोकी उन्हां मकानां नूं वेखन जांदे ने कि जिन्हां अंदर वो नेक हस्तियां बजुर्ग हस्तियां पैदा होईयां। तो जगह जड़ी कीमती होंदी है इंसान दी वजह तो कीमती होंदी है, जगह नहीं कीमती होंदी इंसान दी वजह तो वो जगह कीमती होंदी है। तो शायर ने सही आखिया है कि ए मिटीए तेरे उत्ते एहसान होया कि इमाम हुसैन नबी पाक दा दोतरा अली दा पुत्र फातमा दा दिल दा टोटा तेरे उत्ते शहीद होया और उदा लहू डुलिया, ए मिटीए तेरे उत्ते एहसान होया। ऐ करबला की खाक तू ऐसे शान को ना भूल, के तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशाए बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। मेरे अब्बा जी फरमांदे सन मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, शराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। ओ जेरी मट्टी सी ना कोई कादी पत्ती ना कोई पानी दा कतरा, उस मट्टी उते इस खानदान दा खून आया, उस मट्टी नू शराब कर गया, उस मट्टी नू रजा गया, उस मट्टी नू तर कर गया, उस मट्टी नू गिला कर गया, अपने आथरुआं दे नाल अपने खून दे नाल उस खुशक जमीन नू उस खुशक मिट्टी नू खानदान नबूवत दा लहू हजरत इमाम हुसैन दा खून, हजरत इमाम हुसैन दे पुत्रां दा खून, हजरत इमाम हसन दे कासम अबू बकर मुहम्मद उन्हां दे पुत्रां दा खून, हजरत इमाम हुसैन दे पंज भरावां दा खून, हजरत जैनब दे दो पुत्रां दा खून, हजरत इमाम मुस्लिम दे दो पोतरियां दा खून, हजरत इमाम अकील दे दो पोतरियां दा खून, हजरत इमाम मुस्लिम दे भरावां दे तीन पुत्रां दा खून, इक्की खानदान नबूवत दे शहादत
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਜੇ ਸਿਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਚਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਜੇ ਖੂਨ ਰਗੇ ਰਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਅਬ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਅਬ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਯਾਤ ਕਾ ਯਹੀ ਸਰਮਦੀ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਫੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਇਮਾਮ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵੇਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੂਫੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੋਟ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਅਬ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀਏ ਹਯਾਤ ਕਾ ਯਹੀ ਸਰਮਦੀ ਅਸੂਲ ਅਸੂਲ ਕੀ ਏ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਯਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜੋ ਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਯਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹਯਾਤ ਲੈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਯਾਤ ਕਾ ਯਹੀ ਸਰਮਦੀ ਅਸੂਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਕਿ ਚੜ ਜਾਏ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰ ਤੇਰਾ ਨੇਜ਼ੇ ਕੀ ਨੋਕ ਪਰ ਚੜ ਜਾਏ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰ ਤੇਰਾ ਨੇਜ਼ੇ ਕੀ ਨੋਕ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸ ਯਜ਼ੀਦੀਓਂ ਕੀ ਇਤਾਤ ਨਾ ਕਰ ਕਬੂਲ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
काली कमली वाले दा फरमान है, ऐ हुसैन तेरा सिर कट जाए, तेरा सिर नोजे दी नोक ते चढ़ जाए, यजीद दी बैत ना करी, यजीद दी तात ना करी। देखो निकल गया शेर जेन चो, आएगा तो सुनावांगा। अल्लाह हू अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नू आवाज़ा देन लग पे, ओ जड़ी फौज आई है आवाज़ा दे रही है, ऐ हुसैन काढ़ साड़ी जोड़। इमाम हुसैन दे नाल जेड़े आले बै तो इलावा आए हुए सन, कुर्बान जावा उन्हां दे प्यार तो, उन्हां दी मुहब्बत तो, कसम खुदा दी इंज दे आशक फिर अल्लाह ने पैदा नहीं किते। ये आशक दो तरह दे सन, ये आशकां विच दो किस्मां पाइया जांदियां सन, आशके मुस्तफा सन ते आशके हुसैन सन। इन्हां ने आख्या क्या इमाम, जिन्नी देर तक असी मौजूद हाँ और जिन्नी देर तक असी जिंदा वा, असी मैदान अंदर तुहानू भी नहीं आन देना, असी तुहाडे बच्चियां नू भी नहीं आन देना, जिन्नी देर तक असी मौजूद हाँ वह वखरी गल है, अगर असी शहीद हो गए तो बाद फिर अल्लाह मालक है। इश्क दा जज्बा है वे कि नहीं? बड़े बड़े आशक आ रहे ने इमाम पाक की खिदमत में हाजिर हो रहे ने। दस मुहर्रम का मैं दिन तुहानू सुनान लगा, केड़ा दस मुहर्रम का? अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा आदमी और बुजुर्ग आदमी, बड़ा रोबदार ना सी इन्हां दा, हज़रत मुस्लिम बिन औस सजा आखो रज़ी अल्लाह ताला, जदों उधरों वादा पै रही सन, हल मिम मुबारिज, ऐ हुसैन साड़ी जोड़ बार कट, ए हज़रत मुस्लिम बिन औस सजा अर्ज की है, इमाम मैनू इजाजत दो, मैं उन्हें यजीदियां दे नाल जाके लड़ा, मैं उन्हें दे नाल जाके मुकाबला करा। ये पहला शहीद है जेड़ा हज़रत इमाम हुसैन ने बार भेजा, ये खैमे तो बार आए। हज़रत मुस्लिम बिन औस सजा फरमाते ने, ओ खूफियो साड़ी तुहाड़ी कोई जोड़ नहीं, असी तुहाड़े नाल लड़न वास्ते नहीं आए, ये जिन्हां नू शहीद करन आए हो इन्हां नू वेखो ये कौन ने, जरा अपनी अकलां ते हाथ मारो ये कौन ने, इन्हां नू पहचानो ये कौन ने, ये तुहाड़े बागी नहीं, ये तुहाड़े मुखालफ नहीं, ये तुहाड़े कोलों हुकूमत लैण वास्ते नहीं आए, जिन्हां दा कलमा तुसी पढ़दे हो ये उन्हां दी औलाद ने, और जिन्हां दा नाम नमाजा विच लैंदे हो, और जिन्हां दा नाम अजाना विच लैंदे हो, और जिन्हां ते दरूद सलाम पढ़दे हो ये उन्हां दी औलाद है, जिन्हां दा कलमा तुसी पढ़दे हो, पहचानो तो सही है कौन ने, कोई गैर नहीं, ये तुहाडे अपने ही ने। हज़रत मुस्लिम बिन औस सजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उन्हां नू खिताब कर रहे सन, उन्हां ज़ालमां ने यकदम तीर छड्डे, इस जवान नू भी उन्होंने शहीद कर दिता, लड़न की नौबत नहीं पई, हाले आप समझा रहे सन कि यकदम हवा विच कई सौ तीर आया, जेड़ा इस जवान के वजूद उत्ते आया ये शहीद हो गया। उधरों एक जवान आदमी हाथ में डांग फड़ी है,
ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਫੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਊਂਠ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਗੁਫੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਐ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲੇ 5-6 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖੈਮੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਹੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਕਲਬੀ ਬਨੂ ਕਲਬ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡਿਓਂ ਨੰਗਾ ਔਰ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਕਾਵਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਆਸ਼ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਕਲਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਇਮਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਮੀ ਮੁਬਾਰਿਜ ਐ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੀ ਜੋੜ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਔਸ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਭੱਜਦੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਖੈਮੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲਮ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਲਮ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੋਟੀ ਸੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਂਗ ਸੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੇ
इन्हें मुकाबला शुरू किया उन्होंने नाल इंज दी डांग चलाई कि एक नहीं खाधी फड़क के वह जमीन ते डिग पिया। फिर दूजा आया दूजे नू डांग मारी उन्हें भी एक नहीं खाधी वह भी जमीन ते डिग पिया। दो इन्हें यजीदी मार दिते कल्ले अब्दुल्ला ने दो यजीदी मार दिते। लड़दा रहा हत्ता के इस कल्ले ने 16 यजीदी फड़का दिते खाली डांग दे नाल ही। उधर इन्हों का कमांडर अमर बिन साद कहन लगा ओ सिपाहियो तुसी किन्ना नाल लड़न लगे हो किन्ना नाल पंगा लै बैठे हो। ये थे उन्हें जेड़े मौत दी अख विच अख पा के मुस्कुराना जांदे ने कल्ले कल्ले जाओगे ते मारे जाओगे यकदम। फिर कई सौ फौजी कल्ला अब्दुल्ला सी किन्ना कु लड़ सकता सी उन्होंने अब्दुल्ला नू भी शहीद कर दिता। उधर खैमे बिचों दी बीवी नसी आई अपने खामन दी लाश दे बह के रोंदी पई है और कहंदी है अब्दुल्ला तू मेरे नाल वादा कीता सी मैं कल्ला नहीं मरांगा तेनू नाल लैके मरांगा। ये गल्लां पई करदी है एक बेईमान ने हवा अंदर तीर छड्या वो सूरत दे हलक विच वजिया वो भी शहीद हो गया वो भी शहीद हो गई। ये किन्ने शहीद होए ने 3। दो जाबरी खानदान दे जवान आए वह भी शहीद हो गए। दो गफारी खानदान दे जवान आए वह भी शहीद हो गए। बड़ा कमाल दा तीर अंदाज जिन्हों का नाम सी इब्ने अबीब इब्ने मुजाहर वह भी आए वह भी शहीद हो गए। हूँ एक नबी का शिकाया जे मुसलमानों इन्हों का नाम सी कैस बहुत बड़ा आलिम इन्हें इजाजत मंगी कि मैनू इजाजत दियो मैं जाके इन्हां नाल लड़ा। वेखो हिम्मत नहीं हारी लड़न तो आए नहीं सन। 4,500 फौज ते 72 इन्हों का की मुकाबला हो सकता उन्हां दे नाल दसो। मगर हिम्मत नहीं हारी सिर ते पै गई है आमन्ना वसद्दकना असी लड़ांगे जिन्नी देर तक दम है। आए मैदान अंदर कहन लगे ओ कूफियो मैं आ गया वा कड्डो मेरी जोड़ हाथ च तलवार और हौसला किस कदर बुलंद है कि कोई चेहरे ते खौफ नहीं। ये तकरीर शुरू कर दी थी इन्होंने गल्लां बातां कीतियां कि हाले भी वेला मुड़ जाओ हाले भी वेला बाद आ जाओ। ये नबी दा खानदान है नबी दी नसल है नबी दी औलाद है बाद आ जाओ। जदों ये गल्लां बातां हो रही सन दो आदमी घोड़े ते बैठे इन्हां दे सामने आए कैस दे इन्हां दे सामने आए। उन्होंने अपनियां तलवारां निहां विचों कढ़ियां और कहन लगे कैस हाले भी वेला ही साढ़े वल आ जा
अगर साढ़े वाल आ जाए असी तेनू आजाद कर देंगे। तो कैस दे अल्फाज ने कैस कहता जेड़ी आजादी तुसी चाहते हो वो आजादी दुनिया की आजादी है, मैं ते कब्र की आजादी चाहना वा, देर ना करो मैनू शहीद कर दो। शहीद कर दिता इन्होंने भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ खानदान नबुवत दे 21 शहजादे ने जेड़े बाकी ने। हुन नबी पाक दी औलाद दी बारी है, नबी पाक दी नस्ल दी बारी है। वो आवाज़ा दे रहे ने, ए हुसैन तेरे मुरीद असां कतल कर दिते, ए हुसैन तेरे मनन वाले असी मार दिते, हूँ अपने खानदान नू बाहर कढ़, अपने पुत्रां नू बाहर कढ़। ओ मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खैमे अंदर सन, अपनी भैन ज़ैनब आखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां नू फरमान लगे, ऐ मेरी भैन मैनू वो जुब्बा लिया के दे जेड़ा जुब्बा मेरे नाना जी पांदे सन, मैनू वो अमामा लिया के दे जेड़ा अमामा मेरे नाना जी पांदे सन, ते गल सुन ओ तलवार भी लिया जेड़ी तलवार मेरे वालिद अली अपने हाथ विच फड़दे सन, वो तलवार भी लै के आ, और एक कुराने पाक लै के आ, मैं खुद उन्हां कूफिया नाल जाके गल करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े ते सवार होए और घोड़े दी कंड उत्ते कुरान पाक खोलिया, कुरान पाक दियां ता पढ़े सन, वला तकूलू लिमैं युक्तलु फी सबीलिल्लाही अमवात बल अहयाउन वला किल्ला तशूरून। कुरान पाक दियां ता पढ़दे होए उस लश्कर दे सामने जा खलोते, और इब्ने साद सामने खलोता है, और शिमर भी खलोता है, बैदुल्ला इब्ने ज़ियाद भी खलोता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने, ओ कूफियो मैनू पहचानो मैं कौन हाँ, ओ कूफियो मैं कोई गैर नहीं, मैं तुहाडे विचों ही हाँ, तुसी साडे विचों ही हो, तुसी उन्हां दा कलमा पढ़ते हो जिन्हां दी असी औलाद हाँ, तुहाडे अंदर बड़े बड़े साहबी मौजूद ने, और तुहाडे अंदर वो लोग भी मौजूद ने जिन्हां ने मैनू निकिया होंदिया काली कमली वाले दे हथां ते वेख्या, तुहाडे अंदर वो मौजूद ने जिन्हां ने मैनू काली कमली वाले दे कंधियां ते वेख्या, और तुहाडे विच वो मौजूद ने, मैं अपने नाने दी जुबान चूस के जवान होया, हाले भी वेला जे हाले भी मौका जे बाज आ जाओ मैं वादा करना तुहाडे नाल, मैं तुहाडी क्यामत वाले दिहाड़े सिफारिश करांगा, और रौज़े कौसर तो अपने नाने दे तो मैं तुहानू जाम पियावांगा, हाले भी वेला जे मुड़ जाओ। डरे नहीं सन, ये बात याद रखियो, वो ये चाहते सन कि जिस दीन दी खातर मेरे नाने ने अपने दो दंद शहीद करवाए, और जिस दीन दी खातर मेरे नाने ने अपनियां जुल्फां अंदर कूड़े और कटे पवाए, और जिस दीन दी खातर मेरा नाना वतनों बेवतन होया, और जिस दीन दी खातर मुसलमाना ने कुर्बानियां पेश कीतियां, वो ये नहीं सन चाहते कि किस कदर ये जुलम होवे, तो एक मेरे आका दा मेरे नाना दा एक कलमा पढ़न वाले ने जहनमी हो जान, नहीं सन चाहते। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने समझा रहे सन कि मुड़ जाओ बाज आ जाओ, हाले भी वेला जे मैं वादा करना तुहाडे नाल, मैं क्यामत वाले दिहाड़े तुहाडी सिफारिश करांगा, और मैं वादा करना तुहाडे नाल मेरा नाना तुहाडी शिफात करेगा। एक एक कलमा पढ़न वाला बहुत कीमती है, बड़ा कीमती है,
इमाम पाक जानते सन, मगर जदों अल्लाह दिलां ते मोड़ ला दवे, अखां ते मोड़ ला दवे, कन्नां ते मोड़ ला दवे, फिर अगले नहीं सुनते। उन्होंने कहा इमाम हुण गल्लां दा फायदा नहीं, अपनी औलाद नू पेश कर। सईदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे वल तशरीफ ले आए, छपंजा सतवंजा वरे दे सन हज़रत इमाम हुसैन। नौ मुहर्रम का दिन सी कि आप दे वाल मुबारक दाढ़ी दे पलकां दे परवटियां दे सिर मुबारक दे काले वाल सन काले, मगर जदों 10 मुहर्रम दी सुबह होई, किताबां दसदियां ने कि हज़रत इमाम हुसैन दे वाल दाढ़ी दे ऐपर वटे पलकां सिर दे सफेद हो चुके सन। किस कदर इतनी भारी रात 10 मुहर्रम दी गुजरी है कि इमाम पाक सवेर हुई ते जवान सन, मगर 10 मुहर्रम दी रात नू ए बाबा बन चुकिया सी। आज अगर मस्जिदां अंदर नमाज़ा हो रही ने, औलिया अल्लाह दे मज़ार ने, उथे मेले हो रहे ने, मदरसे आबाद ने, अल्लाह और उहदे रसूल का जिक्र हो रहा है, कुरान पढ़िया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वजह दे नाल है कि दीन दे अंदर बहारा ने, दीन दे अंदर सुकून है, इस्लाम हर बंदे तक आसानी नाल पहुँचता है। ये सिर्फ सदका है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे के इस्लाम नू बाकी रख दिता। आज अजान हो जाए, जज़ाकअल्लाह बारकअल्लाह, मौलवी साहब नमाजी उड़ीकते ने कि नमाजी आन नमाज पढ़िए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि साढ़े दे कोई मुसीबत नहीं आईया, साढ़े उत्ते कोई परेशानियां नहीं आईया, सानू कोई संगियों नहीं फड़ लैंदा कि मसीते क्यों चलें। असी किस कदर सहूलत नाल अपने घरों निकलने, कारखानियां विचों निकलने, हटियां तो निकलने, मसीते पहुँचने, एक सारी मेहरबानी और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी है। इस्लाम और कुफर दी बहुत बड़ी जंग सी जिसनों इमाम पाक ने जित लिया, वरना इस्लामी माहौल नहीं सी सानू मिलना, सानू ए दीन दा माहौल नहीं सी मिलना, सानू अल्लाह और उहदे रसूल दे कानून, नबी पाक दियां सुनतां, नबी पाक दा फरमान क्यामत तक साढ़े तक नहीं सी पहुँचना। ये सिर्फ इमाम हुसैन दी कुर्बानी है जिस वजह नाल अज दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। सईदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे कोल तशरीफ ले आए, खैमे दे अंदर तशरीफ नहीं लै गए, खैमे बाहर, खैमे दे बाहर आपने बड़े प्यार नाल आवाज़ दीती, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे शहजादे अली अकबर, बाहर तशरीफ ले आओ। वड़ा बेटा सी इन्हां दा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
18 साल का जवान और सुबहान अल्लाह सोना जवान, नबी का खानदान ही सोना होना तो फिर किन्ने होना है? सोना जवान 18 साल का। रवायतां अंदर आंदा है जदों टुरदा सी इंज जिवें सरू नू पैर लग गए, एडी सोहनी चाल। अल्लाह अकबर। आओ मेरे बेटे, अल्लाह वास्ते, उदे नबी वास्ते, कुरान वास्ते आके अपनी शहादत पेश करो। और मुसलमानों कि ना उसला इमाम हुसैन दा अगले दे अपने पुत्र दे सिरां ते सिरे सजांदे ने, दूल्हा बनांदे ने और कोड़ी चाड़दे ने। ए इमाम हुसैन अपने पुत्र नू कोड़ी पिया चाड़दा शहीद होने वास्ते। कौन है जेड़ा अल्लाह वास्ते और दी नबी वास्ते कुरान वास्ते अपने आप नू शहीद कराए, अपने पुत्रा नू शहीद कराए? ये सिर्फ और सिर्फ हौसला इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दा। अच्छा जी, जवेद साहब बड़ी मेहरबानी। आ मेरा बेटा अपनी शहादत पेश कर, अज दीन नू तेरी लोड़ है, अज काली कमली वाले नू तेरी लोड़ है, अज कुरान नू तेरी लोड़ है, अज इस्लाम नू तेरी लोड़ है। आ मेरे बेटे अपनी शहादत पेश कर, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो वेंदे पे ने, उन्हें थोड़ी देर बाद मेरे पुत्र ने शहीद हो जाना, हुणे मैं जिउंदियां भेजिया, हुणे मैं दी लाश नू चुक लियाना है, कुर्बान जावा हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो। जदों उन्हां कूफियां दे सामने आए, ऐतरा गौर करियो। अच्छा जी, आसफ साहब मेहरबानी, किन्नी फौज है? 4,500। और तारीख ने दसिया 4,500 तो लैके 40,000 तक, तो एक अल्ला जवान 40,000 फौज के सामने खलोता है, घोड़े उत्ते बैठा है। मैनू अज 12-13 दिनों तो बड़ी दर्द है इस जगह उत्ते, तो शुक्र है अल्लाह पाक दा तुहाड़ियां दुआवां नाल, नबी पाक दे जिक्र नाल, अहले बैत दे जिक्र नाल मैनू काफ़ी फर्क है। दुआ करो अल्लाह ताला जिहड़ी कसर है वे वह भी घटा दे। तुहाड़ा जिहड़ा जिहड़ा बीमार है अल्लाह ताला उहनू भी सही शिफा अता फरमाए। यकीन करो इस मिंबर दी बड़ी ताकत है। ये मिंबर और मुसल्ला केड़ा है? नबी पाक हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। ये उत्ते जेड़ा आके बह जाता है अल्लाह पाक वालों उन्हू ताकत मिल जांदियां। मैं पूरा हफ्ता मंजी नाल मंजी रहा, मगर इस मिंबर दी ताकत तुहाडी मुहब्बत, अल्लाह ताला मेरे कोलों तकरीर और वाज करवा रहा है। सैयदना हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ना सामने आके खलोते 40,000 फौज के सामने। आपने आके फरमाया, ओ कूफियो, ओ यजीदियो, पता नहीं कि तुसी मैनू जानते हो कि नहीं जानते, पर मैं तुहानू अपना तारफ करान लगा। इस वास्ते अपना तारफ नहीं करान लगा कि मैनू छड़ दिता जाए,
मैनू बख्श दिता जाए इस वास्ते नहीं करान लगा, मैं तू सिर्फ तारफ इस वास्ते करान लगावा, सिर्फ इस वास्ते कि तुहाडे अंदर सहाबी मौजूद ने, तुहाडे अंदर मेरे नाने दा कलमा पढ़न वाले मौजूद ने। मैं ये चाहना वा कि तुसी साढ़े लहू तो अपने आप नू पाक कर लवो, अपने हाथ साढ़े लहू दे नाल ना परो। मैं तुहाडी आजादी चाहना वा, बख्श चाहना वा, इस वास्ते मैं अपना तारफ करान लगावा। वेखो नबी पाक दे खानदान दे एक एक फर्द ने आके उन्होंने समझाया, वरना दुश्मनियां पै जान कौन किसे नू समझांदा है। अगलांदा या मैं नहीं या तू नहीं, नबी पाक दे खानदान दे नबूवत दे एक एक फर्द ने आके समझाया कि हाले भी मुड़ जाओ, हाले भी बाज आ जाओ। तो आप अपना तारफ करा रहे ने, आना अली मैं अलिया, कौन अली केड़ा अली, मैं अलिया, आना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। आना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, मैं अलिया मैं हुसैन दा पुत्र अलिया, हुसैन पुत्र अली शेरे खुदा दा। अपना तारफ करा रहे ने, आना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। और उन्होंने और तारफ कराया, नहनो व रब्बुल बैत औला बिन नबी, काबे दे रब दी कसम है कि नबी नू साडे नाल सब तो ज्यादा प्यार सी। सारे नाल काली कमली वाले नू सारे नालों ज्यादा साडे नाल प्यार सी। आना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, नहनो व रब्बुल बैत औला बिन नबी। ओ कूफियो हाले भी बाज आ जाओ, हाले भी तुहानू मौका है, नबी दी नसल विचों एक भी शहीद नहीं होया, साड़ी नसल विचों हाले कोई भी शहीद नहीं होया। असी तुहानू हाले भी बाज करने आ, असी हाले भी तुहानू समझाने आ, असी हाले भी तुहानू बाज करने आ। कसमे खुदा दी 18 साल दा जवान इतना बहादुर है कि 40,000 दी फौज सामने में बाज कहंदे ने अली अकबर घबरा रहा सी, अली अकबर दे चेहरे ते पसीना सी, अली अकबर खौफजदा सी। बाज ने अपनी किताबां अंदर लिखिया, मैं नमा खुदा दी कसमे झूठे ए नबी दी औलाद है, इन्हां अंदर कोई खौफ नहीं, अगर खौफ होंदा ते कोड़े ते बह के इन्हां दे सामने किवें आ जांदा, अगर खौफ होंदा इन्हां नू आके किवें समझांदा, अगर खौफ होंदा अगर कोई दहशत दोंदी अगर कोई वहशत होंदी ते ना दे आके सामने किवें समझांदा। 18,000 फौज 40,000 फौज किताबा ने लिखिया, और शेर दा पुत्र है और शेर दा पोतर है, आप भी शेर है, इमाम पाक दा ए पुत्र अली अकबर। किताबा ने दसिया जदों इन्हां नू आवाज पिया करदा सी, एदी आवाज इस नौजवान दी आवाज सिर्फ इस फौज तक की नहीं बल्कि कूफे विच भी जा रही सी, कूफे दे अंदर इस नौजवान की आवाज जा रही सी। लो एक गल बैठिया बैठिया याद आई, हां जी इमरान साहब बैठिया बैठिया एक गल याद आई है,
कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर तो लैके कंधियां तक बिल्कुल हूबहू हसन नू जेड़ा वेंदा सी इंजे ही है कि जिमें काली कमरी वाला है। जरा खोल के सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं तुहानू इस तो अगे लै चला। हज़रत इमाम हसन सिर तो लैके कंधियां तक मोढ़ियां तक अल्लाह पाक ने उन्होंने इंज दा बनाया कि जेड़ा वेंदा सी इंज ही है जिमें काली कमरी वाला है। हू बहू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जैसे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कंधियां तो लैके पैरां तक हू बहू इंजे ही सन जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सन। ये शक्लां ते अल्लाह पाक दियां बनाईयां हुई ने, अल्लाह अगे ते कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल इंज ही लगता सी कि जिमें काली कमली वाला है, कंधियां तो लैके पैरां तक इमाम हुसैन दे हाथ मुबारक उवें ए बाजू कलाइयां पूरा वजूद पैरां तक इंज ही सी कि जिमें नबी पाक ने इमाम हुसैन उवें ही बोलते सन, उस तरह बैठते सन, उस तरह चलना, उस तरह वाज करना। तो हू बहू इंज ही सी जिमें काली कमली वाला है। हज़रत इमाम हसन सिर तो मोढ़ियां तक, तो इमाम हुसैन कंधियां तो लैके पैरां तक। तो ये जड़ा शहजादा अली अकबर है, वो मुसलमानों हैरान हो गए, सिर तो लैके पैरां तक इंज ही सी जिमें काली कमली वाला। हू बहू काली कमली वाला इंज ही सी इमाम हज़रत अली अकबर शहजादा जेड़ा वेंदा सी ओही कहंदा सी काली कमली वाला आ गया, और जेड़ा वेंदा सी ओही कहंदा सी काली कमली वाला बैठा है, काली कमली वाला बोल रहा है। सिर तो लैके पैर दियां तलियां तक अल्लाह पाक ने ए इमाम हुसैन दा पुत्र शहजादा अली अकबर 18 साल दा हू बहू इंज ही लगता सी जिमें काली कमली वाला। आना अली इबने हुसैन इबने अली नहनो व रब्बुल बैत औला बिन नबी, कसम मैनू काबे दे रब दी काली कमली वाले नू जिन्ना साडे नाल प्यार सी ओना किसे दे नाल नहीं सी प्यार। फिर यकदम कई सौ तीर हवा विच परवाज करदे करदे और कई सौ तलवारा इस शहजादा अली अकबर दे वजूद चा वजियां, शहीद कर दिता उन्हू, शहीद कर दिता जेड़ा अशबाह नबी है नबी दे चेहरे वाले उन्हू शहीद कर दिता। और उन्हें जालमा ने नेजे खोबे तलवारा मारियां, और इत्थे ही नहीं बस किया बल्कि उन्होंने शहजादे का सिर भी तड़ तो जुदा कर दिता। बुढ़ा बाप खैमे कोलों नसदा आया और अपने पुत्र दी लाश ते खलो के अल्लाह पाक अगे हाथ झुक के दुआ कीती, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह
पिछले महीने तू इब्राहिम दे पुत्र इस्माइल दी कुर्बानी कबूल कीती सही, हुण मैं अपने उस पुत्र नू कुर्बान कीता जेड़ा बिल्कुल तेरे नबी वांगों लगदा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना कांत समीउल अलीम। ऐ मेरे अल्लाह मेरे पुत्र दी कुर्बानी कबूल कर। हज़रत इमाम पाक दे जिसम में ताकत नहीं सी, किमें रह सकती है ताकत जिदा जवान पुत्र ओदियां खां सामने शहीद कर दिता गया। तो इमाम पाक ने अपने पुत्र नू जफा पा लिया और किताबां अंदर नक्शा लिखिया, बल्कि नक्शा खिंच दिता गया कि इमाम पाक ने जदों अपने पुत्र नू जफा पा लिया घड़ीसते हुए खैमे तक अपने पुत्र नू लै के आए, तो शहजादा अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो दे पैर मुबारक दिया दो लकीरां उस शहादत वाली जगह तो लै के खैमे तक इंज दो लकीरां पै गई, घड़ीस के सीने ना लाया होया और अपने पुत्र नू खैमे तक लै के आए। 21 शहजादे खानदान नबूवत दे मैं इंशाल्लाह पूरे करने ने और मैं तुहानू सुनाने ने। ए पहला शहजादा खानदान नबूवत दा शहीद होया है, हाले भी शहजादे बाकी ने। इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी सेहत नहीं मंगदा हुंदा, तुहाडी भी मंगना हुंदा। तो ये याद रखो मैं तुहाडे वास्ते भी दुआ करदा हुंना, ये ना समझिया कि अगले जुम्मे मैं नहीं आना, मैनू तुहाडी भी उड़ीक हुंदी है, पूरा हफ्ता मैं तुहानू उड़ीकना। जगने तो मेरे अब्बा जिया के दो प्यार करन वाले, की नाम है तुहाडा? शबीर ते सुल्तान साहब आए ने, ते जदों दे ए मैनू मिले ने मेरी उदों की हालत खराब हुई, मैं 5 महीने पिछे चला गया। इन्हां नूं नहीं सी पता मेरे अब्बा जिया का कि ओला नूं प्यारे हो गए ने, तो बड़ा इन्होंने अफसोस किया, बड़ा इजहार किया। दो जवान साथी होर आए ने पीपल कलोनी तो, उन्होंने भी बड़ा सदमा पहुँचा। तो भाई मैं जुम्मे वाल दिन टुटा होना, अंदरों बिल्कुल पुरजा पुरजा होया होना। ये बस मेरे अब्बा जिया दिया दुआवां ने कि जेड़ा मैं मिंबर ते आ के बह के तकरीर कर जाना। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे वालिद मौलाना तबीब रहमान जामी रहमतुल्ला अले, अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस च बुलंद मुकाम अता फरमाए। मैं पुत्र होने की हसीयत नाल गल नहीं करता, मैं एक हकीकत बयान करना कि मेरे अब्बा जी अल्लाह दे बहुत बड़े वली अल्लाह सन। मौत का टाइम ऐसा है कि बड़े बड़े दलेरां दे पिते फट जाते हैं, मौत का बड़ा खौफ होंदा है। मेरे अब्बा जी जदों उन्हां दी रूह निकली है, पता ही नहीं लग्या कि रूह निकल गई। मेरा सीना अब्बा जिया की कंड नाल लग्या होया सी, मैनू उन्होंने अपने नाल जोड़ के पाया होया सी। मैं गुआं वां और बावजू वां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हां दी कंड मुबारक मेरे सीने नाल लगी हुई सी। ते गल्लां करदे करदे जुमे दियां खामोश हो गए, ते असी समझिया कि हो रहे कुछ सोची पै गए ने, मगर अल्लाह उन्हां नूं अपने कोल लै गया सी। और वेखो फौत होण वाला जदों फौत हुंदा है उहदियां कुछ हरकत हुंदियां ने, मगर मेरे अब्बा जिया की कोई हरकत ही नहीं सी, नाल लगे ने ते नाल लगे ही रह गए ने। मैनू नहीं महसूस होया कि रूह निकल गई।
और बैठे ने तो बैठे ही रह गए ने। ये सिर्फ और सिर्फ करम होया कि जेड़ा 50 साल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान की है, उन्हों की अजमत बयान की है, सिर्फ नबी पाक का करम होया कि अल्लाह पाक ने तकलीफ नहीं पहुँचाई। ये थोड़ा जहा जिक्र उन्हों की वफात का मैं इस वास्ते किया। जगने तो साथी आए ने, पिपर कलोनी तो साथी आए ने, वो आंदे सन कि सानू दसो किवें फौत होए ने, तो मैं आख्या मैं तुहानू जुम्मे ही दसांगा। हूँ तो मैं दस नहीं सकता कि किधरे मैं ना फौत हो जावां, क्योंकि मेरी जिहड़ी हालत जुम्मे नूं होंदी है वह बड़ी गैर हालत होंदी है। ये हसन की बात नहीं, ये मैनू पता है कि मेरे वास्ते इत्थे बह के और उन्हां दी शक्ल बना के और उन्हां दी आवाज़ पैदा करके तकरीर करना मेरे वास्ते कितना मुश्किल है। पर अलहम्दुलिल्लाह, सुम्मा अलहम्दुलिल्लाह, मैं राजी हाँ अल्लाह दी दित्ती हुई ओदी अतात है, ओदी ओ कादर है, मैं राजी हाँ। जे मेरे अब्बा जी नूं लै गया तो सानू अल्लाह ने अखी विखाया कि तुहाडा बाप जंती है, तुहाडा बाप वली अल्लाह। अलहम्दुलिल्लाह सानू ठंड है, सानू अल्लाह का जिन्ना शुक्र अदा करिए उन्ना थोड़ा है। तो इस मिंबर से उन्हें बाया, उन्हें इज्जत बख्शी है, उन्हें मुकाम बख्शे है, और अल्लाह ने मैनू अपने वालद तो बाद बिल्कुल ऊंचे ही बना दिता है जिवें मेरे अब्बा जी सन। मैनू तुसी वेंदे हो और तुसी या गवाह दो गवाही दवोगे इस बात की, मेरे विचों तुहानू मेरे अब्बा जी नज़र आते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्हें मैनू वह हुलिया दे दिता है, मैनू अल्लाह ने वह इलम दे दिता है, मैनू अल्लाह ने वह आवाज़ दे दी है कि जिहड़ी मेरे अब्बा जिया की सी। और असी फैज़ दे कायल हाँ, असी औलिया अल्लाह दे फैज़ दे कायल हाँ। तुहाड़े विचों कोई होवे ना होवे, मैं अलहम्दुलिल्लाह असी फैज़ दे कायल हाँ। अब्बा जी जांदे जांदे सारा कुछ अपना मैनू देख गए। मैं जदों इस मिंबर ते बहना कसम खुदा दी मेरी तैयारी होर होंदी है, अल्लाह ताला होर छावां मैनू विखांदा हुंदा। मैं अपनी वलायत नहीं बयान करता, ये मेरे भाइयों का फैज़ है जिहड़ा मैनू मिले है। तैयारी होर होंदी है, मगर इत्थे आ के बहना अल्लाह पाक बयान होर करवा दिंदा। तो मैं भाई तुहाडे एक एक ते राजी हाँ कि तुसी मेरे अब्बा जी दी गल उत्ते पैरा दिता। आखिरी दफ़ा मस्जिद विच आए और उन्होंने फरमाया कि अपनी अपनी थान ते आके बैठे हो और तुसी आ रहे हो, मेरा एक एक लूं तुहाडे ते राजी है और तुहाडे सारयां वास्ते दुआ होवे कि तुसी इस मस्जिद नूं आबाद रखिया है और आबाद करदे हो। मैं भाई तुहाडे सारयां वास्ते दुआ होवां और